जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सबसे बड़ी बात है निरोगी रखे। क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम दक्षिण काली के क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम। रीम त्रीम ओम भ्रीम वशट त्रीम ओम छोम ओम वशट छोम ओम ओम वशट ठ ठ त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मनुष्य के आसपास अनेक अशरीरी आत्माएं रहती है। अशरीरी आत्मा का मतलब हो गया ऐसी अदृश्य आत्माएं होती है और जो अच्छी आत्मा होती है उन्हें हम देवी या देवता स्वरूप पूजते हैं और अशरीरी आत्माएं बुरी भी होती है जिन्हें हम प्रेत आत्मा कह सकते हैं। और कोई व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो यदि वह बहुत तेज प्रगाढ़ता के साथ यदि उसके मन में काम इच्छा उत्पन्न हो जाए, मैथुन करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए अचानक, तो मान के चलो कोई न कोई अदृश्य आत्मा अशरीरी आत्मा वह आपके साथ जुड़ना चाहती है, इसलिए आपके मन में काम इच्छा उत्पन्न हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्वप्न दोष हो जाता है या फिर स्वप्न में मैथुन कर लेते हो, तो यह कोई जरूरी नहीं कि वह स्वप्न दोष ही हो, वो अदृश्य आत्मा अशरीरी आत्मा उसका आपसे कोई न कोई शारीरिक संबंध बन गया, इसीलिए स्वप्न दोष होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य की कामना आकर्षण का बिंदु बन जाती है और जहां भी वासना हो वहां से खिंचाव शुरू हो जाता है, यानी एक पक्षी प्यार हो जाता है। ऐसा बहुत बार होता है, शायद आपको भी अनुभव हुआ हो, सुना भी हो या किसी के घर में हुआ हो। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि अचानक चीजें हिलने डुलने लगती हैं, कोई प्रकट कारण मालूम नहीं चलता पर चीजें क्यों हिली ये किसी को पता ही नहीं होता है। कई बार किताब टेबल से गिर जाती है, बर्तन आलमारी से गिर जाते हैं, बल्ब होल्डर से गिर जाता है, कपड़ा खूंटी पर टका है वो अचानक गिर जाता है जबकि वहां कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता है। तो ऐसा ये अशरीरी आत्मा अपनी उपस्थिति का आभास कराती है और जब घर ऐसा होने लगे तो समझो घर के अंदर ऊपरी बाधा आ गई है, प्रेत बाधा आ गई है। और ऐसा जब घर में ज्यादा बार होने लग जाए तो समझो कोई न कोई अदृश्य अशरीरी आत्मा आ गई है। और यदि आप पुरुष हो और यदि आपकी काम इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो समझो कोई जवान स्त्री की आत्मा आपके साथ जुड़ गई है। एक बार ऐसा भी हुआ कि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं
और शुभ कार्य में कभी कभी अचानक कोई न कोई क्लेश उत्पन्न हो जाता है। यह ऐसा इसलिए क्लेश उत्पन्न हो जाता है कि वह अशरीरी आत्मा उस वक्त अशुद्ध होती है, तो घर के अंदर पूजा पाठ का विचार करते समय या होते समय घर में क्लेश की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस अशरीरी आत्माओं को भी भोग की आवश्यकता होती है, एक दूसरे का आकर्षण जब होने लगता है तो मान के चलो काम वासना बहुत प्रबल हो गई है, और यह आपकी वजह से नहीं, उस अदृश्य शक्ति जो आपके साथ जुड़ गई है उसकी वजह से यह सब चीज उत्पन्न होती है। अब कोई मनुष्य जिसके साथ में ऐसी अदृश्य आत्मा जुड़ गई, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसको उस घर से अलग कर दिया जाए तो घर के अंदर ये किताबें गिरना, कपड़े गिरना, मोबाइल गिरना, घड़ी गिर जाना, बर्तन का गिर जाना, बर्तन का हिलना, ये सब बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वो व्यक्ति चला गया तो उसके साथ वो आत्मा भी चली जाती है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत से युवक हस्त मैथुन करते हैं। ये हस्त मैथुन करने वाले युवकों की वजह से ही घर के अंदर प्रेत आत्माएं आ जाती है। इसीलिए समाज धर्म हस्त मैथुन के लिए मना करता है, क्योंकि ये अशरीरी आत्माएं यानी प्रेत आत्माएं हस्त मैथुन करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि उन्हें शुक्राणुओं का रस चाहिए होता है, भोग विलास चाहिए होता है उनको। इसीलिए कई बार जिस जगह इस प्रकार की चीजें होती है वहां पर घर में आग भी लग जाती है, नुकसान भी होता है, अशांति रहने लगती है। तो ऐसे मनुष्य का उतारा करना चाहिए, ऐसे मनुष्य को हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। हस्त मैथुन की स्थिति में प्रेत आत्मा बहुत जल्दी सक्रिय होती है, और जब भी व्यक्ति काम वासना से भरा हुआ होता है तो अदृश्य आत्माएं जिनका देह नहीं होता है वह भी उस कार्य में संलग्न हो जाती है और सक्रिय हो जाती है, और उनकी सक्रियता की वजह से ही बहुत सी घटनाएं का कारण बन सकती है, और प्रेत आत्माएं भी अक्सर उन्हीं के शरीर में प्रवेश कर पाती है जो काम वासना को दबाते हैं। अब काम वासना को दबाए हैं तो जीवन के सहज शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनके देह रहित आत्माओं से वासना के संबंध स्थापित होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए स्वप्न दोष को अच्छा नहीं माना गया है, और जो व्यक्ति हस्त मैथुन करता है उसको भी अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि बच्चों का जल्दी विवाह कर दो, कम उम्र में विवाह कर दो। ये इसीलिए किया जाता था कि अदृश्य आत्माएं, अतृप्त आत्माएं जो काम वासना के लिए प्रेरित रहती है वह उन मनुष्यों के शरीर पर नहीं चिपकती है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य स्वयं हस्त मैथुन क्यों करता है और क्यों स्वप्न दोष हो जाता है। उसके पीछे का कारण ही केवल अशरीरी आत्माएं होती है, अदृश्य आत्माएं होती है। ऐसे मनुष्य को अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, थोड़ा सा ईश्वर भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। ईश्वर भक्ति में लीन होने का मतलब हो गया
हनुमान जी की सेवा करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण के हनुमान जी के कई मंत्रों का जप करना चाहिए और हमेशा शुद्ध स्वच्छ और पवित्र रहना चाहिए उनके रहने से। और इस प्रकार के पूजन पाठ करने से बहुत सारी आप समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।